बोलने के पहले जो खाना होता है, खाना बनाने वालों से ज्यादा जो खा रहे हैं उन सबसे मेरी जरूरी है कि हम भी निर्दोष से हो गए हैं। सब लोगों को खाना बंद करें और खाना बंद करके जैसे तो पूरा खाना जितना आप खाना चाहेंगे वो सब आपको मुहैया होगा। इसलिए मेरी अपील है कि जो बाहर जो खाना खा रहे हैं वो जितने खा लिया वो सब हाल के अंदर आए, जिससे कि ये समापन का आप सब लोग जो बोले हो उन सारे चीजों का एक सवाल लेने के लिए लोगों जाने हर सवाल मतलब बोले आज के और विपक्ष आज चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो चाहे वो दलित हो अक्लियत के लोग हो नोटबंदी और जीएसटी के चलते देश का जो अर्थ देश का जो आर्थिक भारत है और पीछे चला गया। नौजवानों पर रोजगार वादा किया था 9 करोड़ लोगों को रोजगार देने आज रोजगार देने की जगह कह रहे हैं कुछ कह रहा है कि 5 दिन जब से सरकार आई है ये जो हमने बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है इसके खिलाफ जो हमने कदम उठाया है तो अकेले बिहार का नहीं ये कदम हमने इसलिए उठाया है कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। बड़ी कुर्बानी के बाद जो लोकतंत्र हमारे हाथ में है वो खतरे में है। ये जो संविधान है इसका जो आदमी है वो वोट है, अनल संचायन है। आज पूरे देश भर में के ईवीएम के खिलाफ चारों तरफ संख्या लोगों की है। रोज ये सरकार आय के नाम पर भोजन के नाम पर घर वापसी के नाम पर जो मुद्दे से कहे गए थे इन्होंने कहा था कि हम आए थे तो हर समय हर मन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था जब आएंगे तो किसान की आमदनी है डेढ़ गुना दाम देंगे सारी मेहनत लागत का स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि 15 लाख रुपए बाहर से लाकर के हर आदमी के अकाउंट में डालेंगे। ये जो वादे देने की दे दिए जाते तो मेरा इतना यकीन है कि देश बन जाता 2 करोड़ लोगों का रोजगार नौजवान को आज 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता। किसान देश का 70% है। ये वादा पूरा करके तो दोनों को मिला दो आपके किसान को और नौजवान को तो असली भारत बन जाता है। ऐसा इनका वादा था वो वादे भूल गए छोड़ दिए। दिन भर हिंदू मुसलमान
दलितों के साथ ऐसा जुल्म जाति का दौर शुरू हुआ है। ऊना में जो हजारों बरस से उनकी बस्तियां लग गई वो जानवर को जब वो चला जाता है दुनिया से मरे हुए पशु की खाद निकालते। ऊना में आपने सबने देखा होगा कि जब वो सफाई करने पर मरे जानवर की खाद निकाल रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार में रहते लोगों को अंदर जो गंदा करके उनकी खाद निकालने लगे। ये सहारनपुर है, अभी एक नौजवान को बोलने का मान लिया, घोड़ी पे चढ़ने पर उनको मारा गया, खाने के नाम पर कार के नाम पर पहली बार अलवर के पास उसको पेड़ में थोड़ा थोड़ा करने वाला। पूरे देश भर में आप चले जाइए गांव के नाम पर, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में उत्तर भारत में गाय के नाम पर सारा किसान वैसे ही तबाह है। कोई सड़क के किनारे का खेत नहीं बचा है, आवारा पशुओं की बड़ी भारी खोट हो। पहले तो नील गाय या नकली जानवर तो भगा दिया जाता था, लेकिन जो आवारा पशु है वो सारे खेत को खलिहान को चट रहा। हमारे देश में खेत को खेत नहीं कहते, संपत्ति नहीं कहते, हमारे देश में जो पशु है उसको ऊंट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, किसान का एटीएम है, वो उस एटीएम में लोग पास हो उस पर अकाउंट डाल दिए। आज किसान का एक सहारा था जो पशुधन था, जो भाग पैसे ऊंट है बकरी है उसके संकट का सहारा था। वादे तो पूरे नहीं किए, ऊपर से ये ऐसा कानून क्रूरता का कानून के नाम पर गाय के नाम पर दे जाने का। अरविंद खड़े ने कहा है कि वहां है कि भारत हमारी संविधान बनती है, वो संविधान जो है ये काम कर रही है, ये संविधान को बदले एक मंत्री बोलती है हराम जाए, उनका मंत्री मुख्यमंत्री रोज ऐसे सवाल खाता क्योंकि ताजमहल मंदिर है। झांसी की नारी की ललित थी, राजा गांधी के हाथ लोकतंत्र नहीं था, टीपू सुल्तान का सवाल था। चुनाव आता है तो नवाज पर, चुनाव आता है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर के ऊपर लगा है। दुनिया को मालूम इस मुल्क को बंटवारे के लिए पाकिस्तान बनाने के लिए इतिहास में नए इतिहास करके उनका नाम है, सारा इतिहास फाड़ दोगे क्या? जो नाम विश्व है जिनका कोई मतलब नहीं, वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, आज तक 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 5 बरस में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, 10 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलता तो 5 आदमी उसके परिवार में लगाओ तो 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। वो वादा नहीं करें गाय की पूछ भजन करेंगे और देखिए अंधे एक ही संविधान उसकी एक कसम एक सरकार एक कानून गोवा में एक कानून मणिपुर में मेघालय में बिहार में और उस कानून को उस परंपरा को जो खुद पालन की है उसको पलट करके यदुरप्पा को
इन्होंने बोध दिला दी, उसके 104 मेंबर हैं, दूसरी तरफ 117 है गठबंधन का, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी। कितनी बार गठबंधन की सरकार बनी, यूपीए की सरकार, अटल जी की सरकार, चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनी जिसका बहुमत है। अटल जी के एक वर्ष से आ रहे थे तो सरकार छोड़ दी, उसी पार्टी को इसने हत्या दिया। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपके बीच में जो मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं वो बिल्कुल जैसे सांप सूंघ गया, कोई बोलता नहीं है, ऐसा होता है। यानी एक इमरजेंसी जो शक्ति थी जेल है, आज ऐसी इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है, ये जो दो जोड़ी है गुजरात की, आज हर आदमी बीजेपी के भीतर मौन दहशत में। याद रखना मित्रों, फोन करने आता मंत्री डरता है कहीं पता चल गया तो कल बात कर रहे हैं। इस संविधान के लिए कई कुर्बानी, इतने लोग शहीद, ये खतरे में है। हम दुनिया भर को छोड़ करके जो खड़े हो, हम हिंदुस्तान की लोकसभा में सबसे ज्यादा बार मारामूत हुआ, लेकिन हम रोज भगत सिंह को टांगेंगे, समाज कानून की मौत का आंदोलन करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे, चंद्रशेखर आजाद को याद करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बना हुए संविधान को याद करेंगे, और इसके लिए संविधान लाने के लिए, संविधान आजादी के लिए 1857 से लेकर के 47 तक कितने लोगों का, कितने लोगों की सही था ये जगह बाबा कहा बहुत मित्र हुए, हर कदम पे आपको साथ, हर शुक्र भी मिले, इतनी बड़ी शहादत के बाद ये संविधान मिला। बाद में जो बोल रहा हूं ये हक संविधान मिल गया, ये संविधान जो है हम सब लोग ही बैठा है, हमें मीटिंग करने की आने की जाने की सब जाने, ये सब खतरे में है, अंधेर है। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की ओर दिलाना, ताल ठोक कर वहां का गवर्नर, इनकी प्रधानमंत्री को कहता है कि जो मैं यहां आरावत का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कल इनके सारे वहां पर जौ का थप्पड़ मार करके कहा कि कल जो है वो अमल करने ये कल कल होंगे, जाओ आने वाला बच्चा, आने वाली संतान है, हम नहीं लड़े, यह जो सरकार है इसको नहीं हमने बर्फ सागर में फेंका, गंगा नदी में इसको नहीं बहाया, दिन भर वादा किया था देश बनाने का, और ये संविधान की क्या हुआ, वादा किया था गुजरात का, वादा किया था किसान का, व्यापारियों ने बनाया था,
नोटबंदी में चार वर्षों में बैठे हैं बंद हो गए, पूरा देश बंद हो गया। चार साल से जब ये सरकार आई है तब से देश के काम आधे हो गए। ये सरकार तो नहीं है, ये अपना डेफिसिट जो है उसे पूरा करने के लिए साइड में 11.45 लाख करोड़ रुपया एक्साइज एक्साइज ये सरकार जो है वो लूट के चल रही है। पेट्रोल एक तिहाई में मिलना चाहिए था, डीजल और पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा किसान करता है। ये सरकार चल रही है अपना खर्चा कर।